नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता देवमुनि यादव को राजद की तरफ से विधान परिषद के लिए मनोनीत करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर देवमुनि यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इसके बारे में उन्होंने बात की है और अब यह पार्टी निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सब लोग जानते हैं कि मैं कितना दिन से राष्ट्रीय जनता दल की सेवा कर रहा हूं। मैं पिछले बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से तेजस्वी से आग्रह किया था कि हमको विधान परिषद में भेजा जाए और उसके माध्यम से बिहार के जनता को हम सेवा करें। फिर पुनः मौका आया है। रांची में मैं लालू जी से मिलने गया था, मैंने उनसे आवेदन भी किया है और तेजस्वी यादव से भी लॉकडाउन के पहले भी मैंने मिलकर आग्रह किया था कि हमको विधान परिषद में भेजा जाए। चूँकि मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया है, इसलिए मैंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया। तो क्या लगता है सर, आपकी बात को मानेंगे? वो तो नेता पर निर्भर करता है, निर्णय लेना है लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी को। काफ़ी समय आपने दिया है सर इस दल में, तो वो तो तय उनको करना है जी, उनको न्याय दिलाना है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैंने अपनी बात कह दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से, और पुनः लालू जी से तो मिलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी से एक दो दिन में मिलकर हम पुनः आग्रह करेंगे, आवेदन देंगे कि हमको विधान परिषद में भेजा जाए। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर निवासी अमित शाह युवा राजद के प्रदेश सचिव के पद पर रहने के दौरान उन्होंने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब पर पैसे लेकर पद बेचने का आरोप लगाते हुए अपना बयान जारी किया था, जिसके बाद अमित शाह को राजद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वही इसी कड़ी में इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने इस बात को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। बिहार में और पूरे भारत में हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित और अनुशासित पार्टी है। इस तरह का अनुशासन किसी पार्टी में नहीं है, जिसका आज आपको उदाहरण मिला है। युवा राजद के एक कार्यकर्ता अमित शाह जी मीनापुर के, उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसा लेके पद बेचा जाता है, और ये आम बात है। इस तरह का भ्रष्टाचार उनके संगठनात्मक स्तर से लेके और उनके विधायक से लेके और उनके नेता तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसमें ये मतलब कोई नई बात नहीं है। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह का भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जनता दल में मंडल स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, हर जगह वहाँ खरीद बिक्री का ही माहौल है। मुजफ्फरपुर शहर के चांदनी चौक स्थित एक होटल सभागार में राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश सचिव दीपक ठाकुर के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जिला अध्यक्ष समेत विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सैलून का रेट लिस्ट बढ़ाने को लेकर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले और साथ में ट्रेड यूनियन जो सैलून संचालक है उनके साथ हम लोग का बैठक चल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ने के कारण हमारे यहाँ जो बाल कटिंग है, दाढ़ी बनाने का चार्ज है, इसमें संशोधन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, अभी हमारा बैठक चल रहा है, उसके बाद बहुत जल्द ही रेट चार्ट को इस बैठक के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी के शाहपुर स्थित उच्च विद्यालय परिसर में 14,79,000 रुपए की लागत से बने पुस्तकालय भवन और माधोपुर गांव में 9,00,000 रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मंत्री और महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष खुशबू कुमारी सहित अन्य लोगों को पाग और गमछा से सम्मानित किया। चीन को नेस्त नाबूद करने के लिए रास्ता निकालेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत की सेना अब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। उसने छेड़ने का काम किया है चीन ने, अब भारत की सेना उसे छोड़ेगी नहीं। दरअसल चीन अपनी कुकृतियों पर पर्दा डालने के लिए भारत की सीमा पर नापाक गतिविधि कर रहा है, दुनिया के लोगों का ध्यान बटाना चाहता है। इससे
भारत घबराएगा नहीं, भारत की सेनाएं इसका बदला लेगी। मधुबनी के लोरिका बाबा चौक पर मधुवापुर प्रखंड अध्यक्ष शिव चंद्र झा के पुत्र की हुई निर्मम हत्या पर केंद्रीय मंत्री सह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर शकील अहमद और विधायक भावना झा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इस उसूल के साथ पुलिस काम करे। वहीं उन्होंने कहा कि लोरिका बाबा चौक पर पिछले 10 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस एक्टिव है, 4 लोगों को पकड़ा भी था। और एक बात थोड़ी आश्चर्य भी हुआ एक बात से कि आम तौर पे पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था, मगर 3 लोगों को शिवचंद्र बाबू ने, जो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं जिनके पुत्र की हत्या हुई है, उन्होंने ही कहा कि नहीं, 3 लोग इसमें से निर्दोष हैं और उनके कहने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं या जिनके पुत्र की हत्या हुई है वो निर्दोष को नहीं फंसाना चाहते, लेकिन निर्दोष नहीं फंसे ये सबको ये है, लेकिन दोषी बचे नहीं इसका भी प्रशासन को और पुलिस के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर निचली बाजार में हैवानियत की सारी हदें पार कर एक ससुराल वालों ने एक विवाहिता के बेटी को जन्म देने के बाद उसे खाना पानी देने की बात तो दूर, बरसात के मौसम में भी उसे मारपीट कर घर से बेघर कर दिया है, जिसके कारण मजबूर होकर विवाहिता गुड़िया देवी व उसकी नन्ही सी बेटी साक्षी गुप्ता सड़कों पर भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रही है और सड़क किनारे अपने पति निरंजन गुप्ता के मोबाइल फोन की दुकान के आगे सोने के साथ साथ वहीं पर नन्ही बेटी को पढ़ा लिखा कर एक होनहार बनाने में लगी हुई है। यह मीडिया के माध्यम से सरकार से उन्होंने गुहार लगाया है। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी व परिजन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। पापा पैसा उसे नहीं देते हैं? नहीं, घर में ना रहने देते हैं? नहीं, वो तो चॉकलेट लाके दुकान से तो डिब्बे नहीं करेंगे। और कहाँ सोती हो? सड़क पर सोती हो? कहाँ सोती हो? ओटा पर। आपके साथ क्या घटना घटी है? हम रहना चाहते हैं ससुराल में, हमको रखना नहीं चाहता है। क्या कारण क्या है? वे बोले नहीं कि बेटी हुई है, जब से हमको पर अत्याचार हो रहा है। तो कहाँ कहाँ गए थे न्याय के लिए? हम तो गए हैं, कोर्ट में है, धक्का दा है, मेंटेनेंस के लिए मेरा पति नहीं गया, कहीं भी नहीं गया मेरा पति, कोर्ट में भी नहीं जाता है मेरा पति, बस खाली करता है, कभी कहता है पता जल्दी है, कभी कुछ करती है, कभी कभी जज पर केस करता है, कभी वकील पर केस करता है, बस ऐसा ही कर करके चलाता रहता है। मेरे पास उतना रुपया नहीं है जो हम इतना केस ला सकते हैं। अभी कहाँ रहती है? यहीं पर रहते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी गुदरे स्थित बहलखाना रोज में एक प्रयास मंच के द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया, साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार करने का भी संकल्प लिया गया है। इस दौरान संजय रजक ने कहा कि एक तरफ भारत शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी देशों से संबंध स्थापित करती है, तो वहीं कुछ देश दूसरी तरफ पीठ पीछे वार करने का काम करते हैं। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी बीते रात चीन के लद्दाख में चीनी सैनिक के द्वारा अपने भारत के सैनिक पर हमला किया, डंडा लाठी पत्थर से हमला किया गया, जिसमें कर्नल के साथ 20 जवान की शहीद हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह घटना है अंजाम दे रहे, उन सबको तुरंत सैनिक के एक खून का बदला लिया जाए, साथ ही ऐसा घटना न घटे इसके लिए ठोस कदम उठाया जाए। संजय रजक, संस्थापक एक प्रयास मंच। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली कुट्टी के समीप एक विवाहिता का शव उसके घर से फांसी से लटका हुआ पाया गया है। उधर मृतिका के ससुराल पक्ष के सभी लोग घर में ताला लगाकर रात से फरार बताए जा रहे हैं। मृतिका के दोनों मासूम बच्चों को उसके मायके के परिजन अपने साथ नानपुर थाना के बनौल गाँव ले गए हैं। मृतिका के भाई का कहना है कि उसकी बहन से कई साल से दहेज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और उसके साथ मारपीट भी किया जाता था।
कल आए थे आप बहन को लेने के लिए जी? क्यों? बहन यानी के फोन करके बुलाई थी कि यानी के हम नैहर घूमने जाएंगे। तो क्या हुआ? तो आए तो क्या कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि हमारे बहनों का मतलब कि जाएगा तो बहन को ले जाइए, बच्चा नहीं जाएगा। तो बच्चा की माँ बोली कि यानी कि बच्चा नहीं जाएगा तो हम काहे के लिए जाएंगे। तो फिर बोले कि आप भी चलिए, बहनों को बोले। तो बोला नहीं, हमको दो दिन का काम है, हमको ईटा गिर रहा है, जो उसके बाद यानी के क्या कहते हैं जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, दो दिन के बाद हम पहले तो यानी के बहुत जिद हुआ जाने के लिए, तो पकड़ो गर्दन पकड़ लिया मेरे सिस्टर का, समझ गए। इसके बाद हमको उसका छोटा भाई जो है जोर भी दिया। ठीक है बाबू, मम्मी को क्या हो गया? उसके साथ कोई मारपीट किया था? अच्छा। बात करें पश्चिम चंपारण की, तो भाकपा माले ने जिला स्तरीय दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के तहत बैरिया में जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम के संरक्षण में नरकटियागंज SDPO सूर्यकांत चौबे की देखरेख में अपराधी सरगना व गांजा तस्कर जुल्फिकार गिरोह गरीबों दलितों को जमीन से बेदखल करने में लगे हुए हैं। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।